दोस्तों एक बार फिर से आईटी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पहले कोलिनियर वेक्टर सीखेंगे, उसके बाद नॉन कोलिनियर वेक्टर्स इस वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहले तो हम सीखेंगे कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है, फिर उसका रिवर्स जो होता है वो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स होता है। तो पहले हम देखेंगे कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है, उसके डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स ये सब देखेंगे, उसके बाद नॉन कोलिनियर्स के डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो उसके बाद दोस्तों आपको 100% समझ में आ जाएगा कि कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है। उसके बाद आपको अगर चेक करना है कि आपको 100% कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स समझ में आया कि नहीं, तो आप जाके, मैंने एक क्विज फॉर्म है जो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड किया है, जाके उधर वो आप क्विज अटेंड कर सकते हो और चेक कर सकते हो आपको जितने भी उसमें क्वेश्चंस दिए हैं वो आते हैं कि नहीं, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स के साथ। तो दोस्तों कोलिनियर जो वेक्टर है बहुत ही इजी है समझने के लिए, बस 3 से 4 पॉइंट्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा अच्छे से कोलिनियर वेक्टर्स को समझने के लिए। तो दोस्तों पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि कोलिनियर जो वेक्टर्स होते हैं वो या तो सेम लाइन पे एक्ट करते हैं या वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट होगा उसमें हमें यह समझना होगा कि जो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं उनको हम कोलिनियर वेक्टर्स, दो वेक्टर्स जैसे मैं ले लेता हूँ ए एंड बी, ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर कब होंगे? ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर तभी होंगे जब भी या तो सेम लाइन पे हो, ए वेक्टर ए है ए वेक्टर बी है, ठीक है, या तो ये सेम लाइन पे हो या तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल ए हो गया और सेकंड एग्जांपल या ए एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी तक हम इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ तक बस आपको ये समझना है कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे तो वो या तो सेम लाइन पे होने चाहिए या तो वो एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए या तो वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, मतलब डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो वो या तो सेम लाइन पे होंगे या तो एक दूसरे के पैरेलल होंगे या तो वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया कि दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो उनके डायरेक्शन मतलब क्या होने चाहिए और एक दूसरे से पैरेलल होने चाहिए या एंटी पैरेलल होने चाहिए, वो सब यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो वो एक ही लाइन पे है, तो मैंने बोला अगर वो एक ही लाइन पे है तो वो कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। तो उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या? तो दोस्तों उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में हमें सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है उनका जो। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वो दोनों वेक्टर्स एक ही लाइन पे एक्ट कर रहे हैं तो उनका लेंथ वेरी कर सकता है, उनका जो लेंथ है वो डिफरेंट हो सकता है। ए का लेंथ जैसे मैं मान लूँ 2 हो सकता है, तो अगर बी का लेंथ होगा वो 3 हो सकता है, तो भी वो कोलिनियर वेक्टर्स होंगे क्योंकि वो एक ही लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो एक ही लाइन पे हैं। अभी सेकंड तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करें अबाउट डायरेक्शन। तो दोस्तों मैंने बोला वो एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं या एंटी पैरेलल हो सकते हैं। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है, उनका डायरेक्शन जो है वो सेम होना चाहिए और ए सेम डिस्टेंस होनी चाहिए उनके बीच में, उनके इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल जो पॉइंट होता है उसके बीच का डिस्टेंस जो होना चाहिए वो लाइन के बीच का, बेसिकली उनके लाइन का, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है हर टाइम सेम होना चाहिए, तभी वो पैरेलल होंगे। और एंटी पैरेलल क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है उनका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगा बट डिस्टेंस जो बीच का है उनके वो हर टाइम सेम होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि दो वेक्टर्स कोलिनियर तभी होंगे जब भी वो सेम लाइन पे एक्ट करते हैं, या तो वो एक दूसरे के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, और उनके डायरेक्शन जो है वो सेम होने चाहिए या तो अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। और उनका मैग्नीट्यूड के बारे में मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, वो डिफरेंट होगा तो भी चलेगा। अभी यहाँ पे बात आई कि इनका डायरेक्शन जो है सेम है या अपोजिट है, क्या इनका डायरेक्शन मतलब एक दूसरे के इंक्लाइन हो सकता है, मतलब
इसका एंगल एक्स एक्सिस से कुछ अलग हो सकता है, तो दोस्तों उनका जो एंगल है वो अलग नहीं हो सकता है, या तो उनका एंगल सेम होना चाहिए या तो अपोजिट होना चाहिए, तभी वो दूसरे एक दूसरे के कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमें कुछ पॉइंट्स है जो याद रखना पड़ेगा। पहला तो सेम लाइन पे एक्ट करना चाहिए। सेकंड जो पॉइंट होगा दोस्तों, वो एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं या वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिफरेंट हो सकता है, वो कोई मैटर नहीं करता, और उसका डायरेक्शन जो होता है, एक दूसरे का डायरेक्शन जो होगा वो सेम होगा या अपोजिट हो सकता है, एक दूसरे के इंक्लाइन मतलब अलग अलग एंगल्स पे वो नहीं हो सकते हैं, उनका एंगल सेम होगा या अपोजिट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पांच पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखना है, अगर कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर है तो ये पांचों पॉइंट या ये पांच पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये मैग्नीट्यूड सेम होगा तो भी चलेगा, डायरेक्शन सेम होगा तो भी चलेगा, एंटी पैरेलल है तो भी चलेगा, पैरेलल है तो भी चलेगा, सेम लाइन पे है तो भी चलेगा। तो ये जो पॉइंट्स है वो जब भी आप एग्जांपल सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कैसे आपको इनको कंसीडर करना है। तो अभी जो दोस्तों नॉन कोलिनियर, अभी तक आपको कोलिनियर तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, अभी जो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, वो जो सेम लाइन पे एक्ट करते कोलिनियर वेक्टर्स, तो वो सेम लाइन पे नहीं होंगे, उनका अपोजिट होगा, एग्जैक्ट अपोजिट होगा। अगर सेम लाइन पे एक्ट नहीं करते और एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल नहीं है, जैसे मैं उनका एग्जांपल लूँ, वेक्टर ए हमारा क्या हो जाएगा नॉन कोलिनियर में, नॉन कोलिनियर वेक्टर ए अगर यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस से अगर इसका एंगल लूँ, तो अगर ये 30 डिग्री है तो वेक्टर वी जो है यहाँ पे कुछ 85 डिग्री पे रहेगा, मतलब डिफरेंट रहेगा, उनके एंगल जो है वो डिफरेंट रहेंगे, तो इसके वजह से उनका एंगल सेम नहीं है, उनका डायरेक्शन सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड तो मैटर ही नहीं करता है। तो उनका अगर एंगल सेम नहीं रहेगा, उनका डायरेक्शन एंगल डायरेक्शन सेम ही हो जाएगा, तो उनका डायरेक्शन अगर सेम नहीं रहेगा दोस्तों तो वो नॉन कोलिनियर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स क्या होंगे। हमारा जो मेन पर्पस होना चाहिए वो होना चाहिए कि कोलिनियर वेक्टर्स को अच्छे से समझना, जो हमने किया। कोलिनियर वेक्टर्स अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो उसका एग्जैक्ट रिवर्स या जो एक कंडीशन है उनको जो सेटिस्फाई नहीं करते वेक्टर्स, वो हो जाएंगे नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। दोस्तों हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है, और आपको कितना समझ में आया वो चेक करने के लिए आप जाके क्विज जो है वो अटेंड कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।